हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स, एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम लेके आए हैं। ये स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग। तो इस स्टॉक पर हम एनालिसिस करेंगे कि आज स्टॉक जो है 20% का अपर सर्किट क्यों लगाया है, व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण स्टॉक्स ऊपर गए और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला ट्रेड और इन्वेस्ट करने की। इस स्टॉक को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। पूरा वीडियो देखिए एंड तक, आपको अच्छा लगेगा जो आपके आगे जाके आपको हेल्प करेगा वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। चलिए, ये स्टॉक जो है आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने आज 20% का अपर सर्किट लॉक हो गया। 20% का अपर सर्किट लॉक हो गया, क्या रीजन था? अब देखो कि इनका जो है रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट आया था, तो इसका जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक का जो है ये जो उन्होंने एक्सचेंज को जो सबमिट किया है, एक लेटर है उसमें आपको, आप देखो यहाँ पर लिखा है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ कमिटी हेल्ड ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई का जो आउटकम है वो शेयर किया उन्होंने एक्सचेंज साथ, उसका जो है इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में दिखाया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है, पहला है रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट। आप यदि कंपनी के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको देखिएगा कंपनी का रिजल्ट जो है काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहा है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। आप देखो कंपनी का जो अर्निंग है, नेट प्रॉफिट देखा जाए कि 162 करोड़ हो रहा है। ये आप यदि जून को, यदि आप जून लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा, आपको जो है आपको डबल से भी 2.5 गुना के आसपास दिख रहा है। वो ये जंप जो है आपको कुछ क्वार्टर्स दिख रहा है। आप मार्च में देखेंगे 43 का 142 करोड़ हो गया, 46 का। कंपनी इज द मतलब कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है। ठीक है, तभी म्यूजिक ऑन है, कंपनी पैसा बना रही है तो आपका भी पैसा बन रहा है। इसका प्राइस जो है आपको वहां पर दिख रहा है, तो ये स्टॉक जो है आज 20% लॉक लग गया अपर सर्किट में। तो ये जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है एंजल ब्रोकिंग जो है 5 अक्टूबर 2020 का जो है इसका लिस्टेड हुआ था। इसका प्राइस 306 था, इशू प्राइस था, और वो जो है लिस्टिंग डे में जो है उससे थोड़ा सा नीचे खुला था, लेकिन वहां से जो स्टॉक जो है रैली दिखाई हुआ आपका 4 टाइम्स आपको हो गया। 306 से अभी आप देख रहे हैं स्टॉक ने 127, ये यहाँ पे प्राइस क्या था, एक यहाँ पे प्राइस है उसका 2 306। तो कंपनी ने 306 पे इशू किया था, 306 से स्टॉक खुल गया, अभी 1272 हो गया, आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का रिटर्न दिख रहा है। तो कंपनी के जो है फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ईयर भी आप देख सकते हैं कंपनी की अर्निंग कैसे भाग रही है, 1111 से सीधे 41050। लॉकडाउन में जो और बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर जनरेट हो रहा है, तो कंपनी जो है एक ग्रोथ ट्रैजेक्ट है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंपनी छोटी है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मिड कैप में आती है कंपनी। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इसको कंपैरिजन किया गया है। चलिए, सेकंड पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड। आपको ये कंपनी जो है 10 रुपये का जो है एक इंटरिम डिविडेंड देने वाली है, एक रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट भी जो है उसमें 26 जुलाई। यदि 26 जुलाई तक आप रखते हैं, उससे पहले आपकी होल्डिंग है तो आपको मिल जाएगा ये 5.15 पर शेयर्स। थर्ड है, कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है। उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि एंजल ब्रोकिंग से लेके एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड से एंजल वन लिमिटेड या एंजल वन फिनटेक, ये दो प्रपोजल है जिसपे अभी कंफर्मेशन आना है। तो ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो अप्रूव कर देगी, तो नाम बन नाम चेंज हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये एंजल बुकिंग का वेबसाइट है, अभी ये एक नया वेबसाइट दिख रहा है एंजल वन। ठीक है, कंपनी नेम चेंज कर, तो कंपनी का एक विजन होगा, तो विजन को फुलफिल करने के लिए जो है कंपनी ने एक नया वेबसाइट इंट्रोड्यूस किया है। वी आर सुपर एक्साइटेड एज वी विल सून बी चेंजिंग आवर नेम फ्रॉम एंजल बुकिंग टू एंजल वन। उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया हुआ है। सेकेंड डेवलपमेंट ये है,
मुझे कुछ एक एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आया है, मिस्टर कृष्णा नायर आयर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कंपनी जो है म्यूचुअल फंड फील्ड में जो है ओरिएंटेशन का आ रहा है, तो वो एक म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करने जा रही है, म्यूचुअल फंड बिजनेस को। तो उसके लिए जो है उन्होंने जो है एक प्रपोजल दिया है सेबी को कि अप्रूवल मांग रहे हैं कि एक्टिंग एज ए स्पॉन्सर टू म्यूचुअल फंड एंड टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी नेम्ड एएमसी। एक एएमसी कमिटी बनाने वाली है म्यूचुअल फंड के लिए, स्पॉन्सर करने वाली है। तो इनका जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस में ओरिएंटेशन आ रहा है, उसका भी एक अप्रूवल आएगा। दीज आर डेवलपमेंट जो कंपनी को एक ग्रोथ पाथ ले जा सकता है। दीज आर डेवलपमेंट, नेम चेंज, ठीक है। और एक कंपनी एक सुपर ऐप भी लॉन्च करने जा रही है, जो इनका ओरिएंट इनका पर्पस है कि ब्रोकिंग में जो है आप एक डीमैट अकाउंट खुलाते हो, आप ट्रेड करते हो, तो आपका वो और नीड जाना चाहते हैं। आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए हो, या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या म्यूचुअल फंड जाना है, तो आप वो फाइनेंशियल नीड को आइडेंटिफाई करते हुए आपको कंपनी आपको उस डायरेक्शन में आपको हेल्प करेगी। उसके लिए एक नया ऐप, नया वेबसाइट, दीज आर द फंडामेंटल डेवलपमेंट कंपनी के अंदर हो रहा है। आज का स्टॉक ने 20% ब्लॉक लग गया इस स्टॉक। आप देखो ये सब डेवलपमेंट आपको 15-16 को हो रही है। इस स्टॉक को हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन और जो फंडामेंटल डेवलपमेंट रहा है उसके बेसिस पर हमने स्टॉक को हमने अपने जो हमारा ये फ्रंट पेज का पेज है, जहाँ पे मैं आपके लिए, आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आपके लिए मैं एक प्रीमियम सर्विस लेकर आता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ट्रेंडिंग स्टॉक बताता हूँ, जिसमें शॉर्ट टर्म टारगेट आता है 1 से 2 वीक के लिए, टारगेट चलिए 1-2 दिन में हिट हो जाता है, तो 15 से 50% अपसाइड रहता है स्टॉक में। ऐसे स्टॉक्स को मैं वहाँ पर डालता हूँ जो मोमेंटम जो स्टॉक्स होते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक डाले हुए हैं, तो इसमें आपको एक दिख रहा है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग देखो तो आप इसको क्लिक करेंगे तो मैंने इसको स्टॉक को 1014 पे ही रिकमेंड किया था, कुछ दिन पहले की बात है। और उसको हमने जो स्टॉक को हमने 12 जुलाई को हमने रिकमेंड किया था कि 1014 था, वहाँ से स्टॉक 107 पर गया, और 107 पे हमने रिकमेंड किया था, 1014 से 1078 हुआ, और 1074 से ये स्टॉक जो है आपको 127 हुआ। तो आज मॉर्निंग में भी जो हमने 12 बजे हमने 12 बजे के आसपास हमने पिंग किया कि 12444 है स्टॉक चल रहा है, और वो स्टॉक हमने इसके अपसाइड टारगेट दिए वहाँ पे। आप देख रहे हैं कि 1078 से जो स्टॉक जो है अभी 127 है, तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का ऐड हो गया, वो ऑलमोस्ट 20% आपको दिख रहा है वहाँ से। ये आप यहाँ पर सर्विस ले सकते हैं, इसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भी डाला था, तो आप देखो स्टूडेंट्स ग्रुप में भी हमने जैसे ही डाला उसमें 18% चल रहा था, स्टॉक अपडेट किया हमने, तो ये अभी उन्होंने लिखा है कि लकली आई बॉट 10 एंड अपर सर्किट हिट। स्टॉक जैसे हमने रिकमेंड किया अपर सर्किट हिट हो गया, इसका एडवांटेज आप यहाँ से ले सकते हैं। चार्ट पे देखेंगे प्राइस एक्शन, तो आप देखो चार्ट पे जो है कुछ महीनों से स्टॉक चला, 3 महीने से जब से आया है, कुछ महीना कंसोलिडेट किया, उसके बाद कंटिन्यूस 3 एक वर्टिकल अपटेक आ गया स्टॉक में। इसका मतलब स्टॉक एक न्यू स्टोरी बना रहा है, जिसको मार्केट जो है डिस्काउंट कर रहा है, उसको काफ़ी बुलिश है। वीक पे देखें तो वीक पे भी 4 वीक से स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, और ये वीक जो बनाया है ये आप देख सकते हैं कि ये जो है एक मारुगोजो कैंडल है, बोलते हैं बुलिश मारुगोजो। इसकी ओपनिंग और लो सेम है, क्लोजिंग और हाई सेम है, ये बताता है कि इसमें और अपसाइड, जब तक इसका लो टूटता नहीं है स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल है, स्टॉक ऊपर जाएगा ओवर द वीक। स्टॉक चल रहा है, आज थोड़ा सा वोलेटाइल थी लेकिन वो अपसाइड में जाके कैप हो गया, इसको बोलते हैं ये ज्यादा क्लोजिंग मारुगो जो मारू बोजो, ये बताता है कि इसका क्लोजिंग और हाई सेम हो गया स्टॉक, मतलब कि अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है, ऊपर जाएगा स्टॉक। ये तो कहाँ तक जाएगा स्टॉक, तो इसको टेक्निकल लेवल जो है वो जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ, मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी जो है स्टॉक 1500 से लेके 1750 तक जाता जा सकता है स्टॉक। दीज आर द परसेंटेज टारगेट 1 टारगेट 2।
वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा टारगेट दिया है, और इसमें जो है अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1272 पे, ये आपका 16 जुलाई का प्राइस है। और इसमें शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखना है तो ये आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1175 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और दूसरा जो है 950 यदि आप मीडियम रन के लिए रख रहे हैं, मीडियम कुछ आप मीडियम रन रखा था आपने, स्टॉप लॉस 950 क्लोजिंग में से रखिए। आप इन्वेस्टर हैं इन्वेस्टर रहिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं, दीज आर द लेवल्स यू कैन फॉलो। जिसका पूरा चार्ट सेटअप देखा है तो स्टॉक दिख रहा है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, काफी ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन में आ गया था, घबराने की बात नहीं है। स्टॉक यदि फंडा अच्छा होता है तो स्टॉक उसी टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करता है और फिर वहां पे भागते रहता है, या थोड़ा सा करेक्शन आएगा लेकिन वो जस्ट एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक फिर से भाग जाएगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपैगर स्टॉक हमने बताया है, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, रूट मोबाइल हो गया, एंजल ब्रोकिंग है, CDSL है, ऐसे बहुत सारे मोमेंटम स्टॉक्स मैं बताता हूँ, आपको पैसा बनाने का मौका मिलता है। स्टॉक में RSI भी 89 है, और बॉर्ड जोन है, वॉल्यूम भी अच्छा है, प्राइस चल रहा है, स्टॉक बैंड एक्सपेंड किया है, ये फ्रंट पेज पे आप सर्विस ले सकते हैं। आप फ्री चाहिए टिप्स रिकमेंडेशन तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जगदीश स्टॉक में क्लासेस से। उसके बाद ये ट्विटर का लिंक है, आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं जगदीश पेज के नाम से, ट्विटर पे आपको लिंक मिल जाएगा, सॉरी ट्विटर का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पे क्लासेस अटेंड कीजिए, क्लासेस करेंगे तो आपको जो है आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में, आप खुद से ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे क्लासेस का रिव्यू पढ़ना है तो गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस इन कंसल्टेंसी, वहाँ से आपको रिव्यू मिल जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक है, पढ़िए जरूर। चलिए तो मैं होप करूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जब सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड फैमिली को भेजिए, यदि उनका कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर होगा तो उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा सिमिलर किसी भी स्टॉक किसी भी एनालिसिस चाहिए आपको, वीडियो एनालिसिस लेवल आप वहाँ पर डालिए, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपका कुछ नया सोच है, आपने कहाँ किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, आप मेंशन कीजिए, हम आपको इनकरेज करेंगे आपको। चलिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ गुड डे।